एवरीवन हाय, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों इस वीडियो में हम करेंगे मनी ब्लॉकेज के बारे में। ये मनी का जो ब्लॉकेज है इसको लेके बहुत से लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं मैडम हमारा सब कुछ लगभग ठीक चल रहा है लेकिन ये मनी का ब्लॉकेज नहीं हट रहा है, क्या कारण है। सो इसको लेके ये वीडियो है। ये भी एक बहुत बड़ा पत्थर है। बहुत सारे लोग जो मेरे से सेशंस ले हैं या बहुत सारे अपने सप्रेस इमोशंस को अपने अंदर से निकालना चाहते हैं, कैसे कराएं, वो लोग बोलते हैं कि हमारे पास अभी पैसे तो है नहीं, कैसे कराएं, है ना। सो इसका मतलब मनी का ब्लॉकेज है, ठीक है ना। मनी फ्लो नहीं हो पा रहा है, माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं हो पा रही है, है ना। तो मेरे हिसाब से क्या कर सकते हो आप जिससे कि मनी का ब्लॉकेज हटे, मेरा सजेशन क्या है। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आप 10 जगह जहाँ पे आपकी प्रीशियस अमूल्य एनर्जी डाइवर्टेड है ना, 10 जगह, वहाँ उन 10 जगहों से अपनी एनर्जीज को हटाओ फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और पॉजिटिव चीज़ों में एनर्जी को इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। मतलब पहले तो कट करो उन सारी जगहों से जहाँ पे गलत गलत जगह पे एनर्जी इन्वेस्टेड है। हो सकता है कोई यूट्यूब चैनल देखते हो आप इस तरीके के, हो सकता है टेलीविजन में ऐसा कुछ देखते हो सकता है किसी गलत फ्रेंड सर्कल में हो सकता है कुछ भी गलत 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 जो आपको गलत लग ही ना रहा हो, पर ध्यान से बैठ के सोचो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलत है। हो सकता है फ़ोन पे बहुत ज़्यादा बातें करते हो, है ना। हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हो, तो गलत जगह पे डाइवर्टेड है एक्चुअली में एनर्जी। तो इन सब जगहों से पहले एनर्जी को हटाओ। उसके बाद जो है कुछ पॉजिटिव एक्टिविटीज़ करना शुरू करो जो आपको अच्छी लगती है, जैसे एक्सरसाइज, योगा, ठीक है। उससे एनर्जी और इकट्ठा होगी। अच्छा खाना खाना, ठीक है, पूजा पाठ करना और जो भी आपको अच्छा लगता है उससे एनर्जी इकट्ठी होगी, ठीक है। और फिर जो इकट्ठी एनर्जी है उसको इन्वेस्ट करो अपने ब्यूटीफुल आइडियाज़ पे जो आपके दिमाग में चल रहे हैं या पॉपअप हो रहे हैं कि ये करो, ठीक है। वहाँ पे इन्वेस्ट करो, ठीक है। और धीरे धीरे आप कुछ समय के बाद देखोगे कि धीरे धीरे माँ लक्ष्मी की जो है ना वो कृपा हो रही है आपकी तरफ, ठीक है। माँ लक्ष्मी भी ऐसी थोड़ी ना किसी के पास जाना चाहेंगी, है ना। जहाँ पर नेगेटिविटी होगी, जहाँ पे लाइक जहाँ पे बेचैनी होगी, जहाँ पे ईर्ष्या होगी, जहाँ पे नेगेटिविटी होगी बेसिकली, वहाँ थोड़ी ना माँ लक्ष्मी जाना। लक्ष्मी माँ धन की देवी जो है वो देवी हैं, तो वो देवी जो है किसी पॉजिटिव जगह पे ही जाना या फ्लो होना पसंद करेंगी। एक वीडियो में मैंने बताया था आपको कि माया या माँ लक्ष्मी जो है वहीं जाती है जहाँ पे विष्णु जी होते हैं। विष्णु जी क्या है? ज्ञान है। सो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, 24 घंटे में से 17-17 घंटे काम करते हैं, तब जाके वो कुछ कमा पाते हैं। तो जहाँ मेहनत है वैसे वहाँ भी लक्ष्मी है। बट मैंने एक और चीज़ देखा है कि बहुत सारे लोग बहुत कम काम करते हैं फिर भी उनके पास बहुत कृपा रहती है धन की। क्यों? क्योंकि जहाँ ज्ञान है वहाँ विष्णु जी हैं, और जहाँ विष्णु जी हैं वहाँ माँ लक्ष्मी है। देखा है ना वो फोटो जहाँ पे माँ लक्ष्मी जो है उनके चरणों में बैठी हुई है और विष्णु जी जो है आराम से अपने खोए हुए हैं। तो जहाँ ज्ञान है वहाँ माँ लक्ष्मी तो ज़रूर होंगी, ठीक है। सो क्या करना है? ओवरऑल अपनी एनर्जीज को जो गलत डायरेक्शंस में हो रही है वहाँ सब जगहों से कट करके अपनी एनर्जी को जो है और इकट्ठा करना है, और जो इकट्ठा एनर्जी होगी उसको इन्वेस्ट करना है अपने ब्यूटीफुल आइडियाज़ जो दिमाग में चल रहे हैं। बट उन आइडियाज़ पे इन्वेस्ट करने के लिए आपका फियरलेस होना ज़रूरी है, है ना। फियर का ब्लॉकेज हटना ज़रूरी है, तब जाके आप देखोगे कि मनी जो है बड़े अच्छे तरीके से आपकी तरफ धीरे 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 जो है बढ़ रहा है, ठीक है। सो मेरी तरफ से तो यही है कि यही करके आप अपनी तरफ जो है माँ लक्ष्मी की कृपा को है जो है प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। और अपना मैं एक छोटू सा एग्जांपल देती हूँ। जब मैंने शुरू शुरू में एक सर को कॉल किया और वो इनर वर्क क्लासेस के बारे में बताते थे, 2019 में मैंने उनको कॉल किया, तो उन्होंने कुछ उस वक्त मुझे 36,000 बताए। सो मुझे क्या लगा कि यार ये तो प्रॉब्लम मेरी है, सो मैं क्यों मेरे हस्बैंड से 36,000 लूँ इस कोर्स को करने के लिए। और फिर मुझे लगा कि मैं मम्मी से भी क्यों लूँ, किसी से भी क्यों लूँ। तो और कई लोग जैसे हम अपनी फीस बताते हैं तो उनको बड़ी चिढ़ मचती है सुन के कि अच्छा आप लोग डिवाइन वर्क कर रहे हो और पैसे लेते हो। लेकिन मुझे बिल्कुल चिढ़ नहीं मची उनकी बात से, मुझे 1% भी चिढ़ नहीं मची इस बात से कि वो मतलब 36,000, बिकॉज मुझे लगा कि ये इंसान जो है
हर हफ्ते एक एक घंटा हम खुदेंगे, अपनी एनर्जी हम पे इन्वेस्ट करेंगे, तो इतना इनका बनता है, ठीक है, डेफिनेटली बनता है, क्योंकि वो उनकी अपनी एनर्जी, अपनी प्रीशियस एनर्जी हमारे ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं हमें हील करने के लिए। तो आई डिसाइडेड कि ना मैं हस्बैंड से लूँगी, ना मैं मम्मी से लूँगी, मैं भाई मैं काम करूँगी दोबारा से। फिर जॉब ज्वाइन करके वहाँ मैंने पैसे इकट्ठे कर लिए, ठीक है, और उसके बाद जब मैं ऑफिस जाती थी, घर आती थी, मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ने लग गया उस वक्त, ठीक है, थोड़ा और फियरलेस भी होने लगी मैं धीरे धीरे। जो मेरे अंदर विचार चलते थे वो मैं कभी ऑफिस में बैठे बैठे आप लोगों के साथ शेयर कर देती थी, कभी घर आके शेयर कर देती थी। तो वहाँ से मैंने देखा कि एक बारी 17 सितंबर या 17 अक्टूबर आई थिंक शनि महाराज जो हैं, शनिदेव जो हैं, वो डायरेक्ट हुए थे 17 तारीख को 2019 में। और उस दिन से लोगों ने मुझे पे करना शुरू किया, जो कई लोगों ने मुझे मेल करी कि मैम आप प्लीज़ अपनी एनर्जी एक्सचेंज फीस बताओ। और ये हुआ किस दिन था, जिस दिन शनि महाराज जो हैं डायरेक्ट हुए थे, तो शनि जी की भी कृपा हुई, है ना, कर्मों के देवता की कृपा हुई। और फिर मैंने देखा कि जो मनी का जो ब्लॉकेज था वो पूरी तरीके से हट गया। अब मेरे को जो कोर्स कराना था कर सकती थी, मुझे जो करना था मैं कर सकती थी, क्योंकि इतना मैंने अपनी मेहनत से, अपने ज्ञान से, दोनों से जोड़ लिया था। सो द पॉइंट इज कि फियरलेस होना होगा, अपनी जहाँ जहाँ पे गलत जगह पे एनर्जीज डाइवर्टेड वहाँ से कट करना होगा, जो अंदर एनर्जीज हैं उसको इन्वेस्ट करना होगा अपने आइडियाज़ पे, जो पॉजिटिव आइडियाज़ आ रहे हैं। और धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी ज्ञान और मेहनत के बल पे जो है धीरे धीरे माँ लक्ष्मी की कृपा होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। पर माँ लक्ष्मी जो है वो देवी हैं, है ना, तो वो कभी भी नेगेटिव जगह पे नहीं जाती है, तो अपने अंदर की नेगेटिविटी को भी रिलीज करना होगा, ठीक है। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।